मुल्क दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। पाक फौज ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। बताया पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। एयरबेस के अंदर फायरिंग और धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पर हमला हुआ है। उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तान फौज के लिए नो गो एरिया। दहशतगर्दी की एक नई लहर, एक नई वेव है जिसमें PAF ट्रेनिंग बेस मियांवाली में जो है वो हमला हुआ और पूरी रात जो है वो सुबह हुआ है, बहुत सुबह के वक्त, उसके बाद हम घंटों तक वो सब चलता रहा। जो मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारे एक सिटी है, और वहाँ के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। ये नहीं है कि हमने उस हमले को अपने बंदे शहीद करा के तो पुश बैक किया। क्वेश्चन ये है कि ये होने हमने कैसे दिए और हम TTP को पूरा हाथ क्यों नहीं डाल सके। जब तालिबान कहता है ना कि जैसे नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है और तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को वापस खदेड़ रहे हैं, उनके बेइज्जती कर रहे हैं, तालिबान बदला ले रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं, ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से। मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको सुन के हंसी आएगी, पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है नंबर 1 आर्मी है। लेकिन दोस्तों 8 हमलावर आतंकवादी घुसते हैं और पाकिस्तान के मियांवाली जो कि एक एयरबेस है पाकिस्तानी एयरफोर्स का, वहां पे धमाका करते हैं, 14 पाकिस्तानी रेंजर्स ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो जाते हैं। आतंकवादी 8 थे, अभी तक सिर्फ 3 आतंकवादी को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, बाकी 5 अभी भी अलाइव हैं। और इनके 14 रेंजर्स को मार दिया ऑन द स्पॉट और जो इनके क्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसको भी तहस नहस बर्बाद कर दिया। ये है भाई नंबर 1 आर्मी, गूगल की नंबर 1 आर्मी, फर्जी नंबर 1 आर्मी। मैं दोस्तों अपने हर वीडियो में कहता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी लड़ने के अलावा, सरेंडर करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। लड़ने इन द सेंस कि लड़ने जाते हैं, सरेंडर करके आ जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता इनको। अगर हाँ, एक काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, लोगों को परेशान कर सकते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो पहले से ही कमज़ोर होते हैं उनको अगर परेशान करना हो, उसमें नंबर 1 आर्मी है। ये इनकी हरकतें हैं दोस्तों। और बहुत शर्मनाक बात है कि किसी आर्मी पे आतंकवादियों ने हमला करके एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया, वो भी यार एक मिलिट्री बेस कितना सिक्योरिटी प्रूफ इलाका होता है, और वहां पे घुस के हमला करना बहुत बड़ी बात है, मजाक वाली बात नहीं है ये। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला, गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर ये है कि DI खान टांक अड्डा के करीब धमाका जिसमें 5 अफराद जां बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाई है उसका जवाब दिया गया, यानी इससे पता ही चलता है कि दूबदू मुकाबले हुए जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बम्बार जो कि कलदम TTP के खुदकुश बम्बार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था, यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बम्बार था और उसको मार दिया गया है, और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था
कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए ये जो हमला हुआ गवादर में ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें के जिसमें ढाई ढाई तीन तीन सौ लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। इसमें ये बताया गया ISPR की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी इसकी डिटेल सामने आ रही है। अब जैसा मैंने पहले ये कहा आपको कि इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जाएगा, जब ये बात कही जाती है कि इंसाफ के दहशतगर्दों को आप कैसे लाएंगे अदालतों में, इंसाफ का कटहरा तो ये होता है। हाँ अगर इसका मतलब ये है कि उनको भी मार दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, तो वो तो सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। वो मारते हैं आके पहले, उसके बाद जाहिर है कि उनको मारा जाता है अगर वो पकड़े जाएं या मारे जाएं या वो भाग जाते हैं। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है उसमें एक तो है TTP। सर TTP से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ आपका? रुक गया वो डायलॉग, उनको तो कौमी धारे में लाया जा रहा है, उनको तो आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे प्यारे लोग बनाकर हैं उनको अब कौमी धारे में शामिल किया जाएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दे दें, उस पर बिठा दें उनको। वो तो कुछ ऐसे ही रहा था। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि हमारे कभी ये खबरें आती हैं कि जनाब डायलॉग हो रहा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, जबकि जिस वक्त जनरल फैज हमीद DGISI थे, उस वक्त वो फटाफट भागे भागे जो अफगानिस्तान गए थे, हैं जी, वो चाय के कप वाली आपको पता है तस्वीर हो रही थी, तो जनाब डायलॉग हो रहा था, जिरगे जा रहे थे, कहाँ गए वो सब? उसका क्या फायदा हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, मुझे आप ये बता दें। दहशतगर्दी तो कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा हुई है। अच्छा फिर उसी के साथ आप अफगानिस्तान के साथ देखें। अच्छा अब जारी बात है, TTP ने इनको फंड्स बड़ी बहुत सारी जगहों से मिलते हैं, ठीक है, जितनी भी पाकिस्तान की होस्टाइल एजेंसीज हैं, होस्टाइल ग्रुप्स हैं, होस्टाइल कंट्रीज हैं, वो सारे इनको फंड देते हैं, और उनको जारी बात है फंड देना उनको सूट करता है। ये देखें ये चीप वॉर लड़ी जा रही है ना, सस्ती वॉर है ना, कोई अपना बंदा किसी होस्टाइल मुल्क का मरदा पे ना कुछ और हो रहा है, तो पैसे भी कोई नहीं, ठीक है यार दो इनको, कोई दे दो एक $5 लाख दे दो, $10 लाख दे दो, $20 मिलियन $2 मिलियन में वो काम किया जा सकता, कराया जा सकता है जो पाकिस्तान जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो उनको तो बड़ी मौजें लगी हुई हैं TTP की भी, और वो ग्रुप जो पाकिस्तान को, वो होस्टाइल एजेंसीज और वो होस्टाइल एक्टर्स जो चाहते हैं कि पाकिस्तानों जो है ना वो बताया जाए कि ये एक रोग स्टेट है, और जारी बात है वो कहते हैं जी ठीक है जी, पाकिस्तान ने माजी के बीच दूसरे मुल्क ये चीज़ें कराने की कोशिश की, आज हम भी करा रहे हैं। खैर एनी हो ये एक और बहस है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों नंबर वन आर्मी जो कि गूगल पे पाकिस्तानियों ने अपने आप को नंबर वन आर्मी बता रखा है, घर में घुस के किसी देश ने नहीं, आतंकियों ने ही दो हमले कर दिए, वो भी बहुत बड़े हमले। दोस्तों पहला हमला मैं बता दूं जिसमें अभी तक पाकिस्तान के 17 जवान मारे जा चुके हैं और 22 से ज़्यादा घायल हैं, कल तक ये आंकड़े 30 पे भी पहुंच सकते हैं। ये हमला हुआ है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में सेना का काफिला जा रहा था और आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चला के 17 भूंज डाले और 30 बहुत गंदी तरीके से घायल हैं, कल तक ये आंकड़े 30 पे पहुंच सकते हैं। ये पहला हमला हो गया। दूसरा हमला मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी पंजाब साइड में जो इनका एयरक्राफ्ट है उसका जो एक बेस कैंप है, पाकिस्तानी जो वायुसेना है उनका एक बेस कैंप है, उस पर हमला होता है और तीन एयरक्राफ्ट इनके ऑन द स्पॉट तबाह बर्बाद कर दिए आतंकियों ने। हालांकि आतंकी मारे गए लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर के तीन इनके एयरक्राफ्ट उन्होंने बर्बाद कर दिया। और दोस्तों गूगल पर पाकिस्तानी खुद ही लिखते हैं पाकिस्तानी आर्मी नंबर वन, और उसी को दिखा देते हैं कि गूगल कह रहा है पाकिस्तानी आर्मी नंबर वन है। ओ भाई ऐसी नंबर वन आर्मी तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी के जो है एयर जो हवाई जहाज का बेस कैंप है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट का बेस कैंप है, उसमें करके उसमें हल्के बेस कैंप तबाह कर दे, तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये नंबर वन आर्मी भाई कहाँ से है मुझे समझ नहीं आता।